हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी खाना खजाना। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स। और मैं इसे अपने स्टाइल में आप लोग को बताने जा रही हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको एक भी स्किप मत कीजिएगा, तब आप लोग अच्छे से इसी स्टाइल में एक बार अपने घर में बना के आप लोग खा सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, जो कि बिलीव करें बहुत ही अच्छा टेस्टी हुआ था। आप लोग भी एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक लौकी ली है, लेकिन इसे हम लोग पूरा नहीं बनाएंगे, आधा बनाएंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, आधा कट करके अच्छे से मैंने वॉश कर ली। अब मैं इस ग्रेटर के माध्यम से मैं इसे अच्छे से ग्रेट कर ली, ठीक है। इस तरह से देखिए, हमने इसे कद्दूकस कर लिए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एक छलनी के माध्यम से हम लोग इसको पूरा निचोड़ के इसका पानी निकाल लेंगे। इसका पानी एक भी नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे अच्छे से ऐसे एक छलनी के माध्यम से आप लोग इसे पूरी तरह से निचोड़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पानी और भी है फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग इसे पानी पूरा निकाल लीजिएगा। तो और जितना मेरे पास है सबको मैंने इसी तरह से पानी निचोड़ के हम अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पानी पूरा निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हाथों से भी और एक बार अच्छे से निचोड़ लेंगे, क्योंकि कुछ पानी रह गई है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से और भी पानी हम लोग को निकालना है। तो अच्छे से हम लोग इसे हाथों से भी हम लोग इसे अच्छे से पानी निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप लोग जितना भी आप लौकी ग्रेट करके रखें, सबको इस तरह से पहले छलनी का माध्यम से आप लोग पानी निकालेंगे, उसके बाद हाथों से भी आप लोग ऐसे निचोड़ लीजिएगा, सारा पानी जैसे कि पूरी तरह से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारा पानी लौकी का ये से निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, अब ये पानी इसको फेंक देना है, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक काटी हुई ली हूँ, और धनिया पत्ता कुछ ली हूँ, और एक हरी मिर्च। तो ये सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड करके हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसे हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हल्दी पाउडर, उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। ये सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे नमक, आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार आप लोग यहाँ पे नमक ऐड कर लीजिएगा। जितना क्वांटिटी का आप बना रहे हो उस हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। अब इसे अच्छे से आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। आप चम्मच या हाथों से इसे अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे मिला लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्ग्रीडियंट्स मिलाना है वो है बेसन। यहाँ पर बेसन में तीन बड़े चम्मच यहाँ पे मैं ले रही हूँ। जैसे कि इसको हम लोग को गोला तैयार करना है, तो अच्छे से मतलब बेसन उसमें अच्छे से मिल जाए, ताकि हम लोग अच्छे से एक गोला मतलब जैसे कि बन जाए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी आप लोग बिल्कुल ही ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इस तरह से हम अभी क्या करेंगे, हाथों से अच्छे से इसे मैं मिला ली। अब इसे हम लोग छोटा छोटा गोला, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा गोला आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने सबको एक छोटा छोटा गोला हम यहाँ पे बना के तैयार कर रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा गोला आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सब कुछ जितना भी है इसको हमने गोला तैयार करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, पैन जैसे गर्म हो जाए इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम रिफाइन ऑयल यूज कर रहे हैं फ्राई करने के लिए। आप लोग चाहे तो आप लोग सरसों का तेल के साथ भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैं रिफाइन तेल ले रही हूँ। तो देखिए, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुकी थी, तो यहाँ पे हमने जो गोला हम लोग बना के रेडी किए हैं उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन आने तक हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। गैस को आप लोग लो टू मीडियम के फ्लेम में रखिएगा, थोड़ा हाई में मत रखिएगा, वरना ये बाहर से तो पक जाएगी फ्रेंड्स, बट अंदर थोड़ा कच्चापन रह जाएगा। तो आप लोग हमेशा लो टू मीडियम में ही रख के इसको फ्राई कर लीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने जितना गोला बना के तैयार किया था वो सबको यहाँ पे हम रख रहे हैं, और इसे 2 से 3 मिनट एक तरफ दोनों तरफ हम लोग पका लेंगे। देखिए एक तरफ ये पक के रेडी हो गई थी फ्रेंड्स, देखिए इतना अच्छा सा कलर आया है। इस तरह से आप लोग दूसरा तरफ अब इसे हम लोग कलर देंगे। अब इसे हम लोग दूसरा साइड भी अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग देखिए जब आप लोग इसे दूसरा तरफ पलट करेंगे तो आप लोग गैस को पूरा लो कीजिएगा, क्योंकि तेल गर्म है और छिटकने का मतलब चांसेस रहता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अब हम लोग दूसरा साइड भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 3-4 मिनट हो चुकी थी, अब मेरा दूसरा साइड भी ये पूरी तरह से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हम लोग इसे एक प्लेट में हम लोग इसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद आगे का प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स, हम इसे कैसे क्या बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना मालूम नहीं चलता है ना, छोटा छोटा चीज़ बीच में रह जाती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और हाँ मेरे चैनल में जो भी नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मैंने दूसरा पैन ले ली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तेल डाली थी, तेल जैसे ही गर्म हो चुका है यहाँ पे मैंने जीरा ऐड की। इसके बाद छोटा सा आधा टुकड़ा प्याज मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, क्योंकि प्याज हम लोग गोला जब बनाए थे वहाँ पे मैंने प्याज ऐड की थी, तो यहाँ पे मैंने आधा टुकड़ा प्याज ऐड कर ली और एक सूखी मिर्च यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। मिर्ची अब अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को कम तीखा या ज़्यादा खाना है उस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, जैसे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे प्याज मेरा फ्राई हो चुकी थी, यहाँ पे मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, देन यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने ऐड की, इसके बाद जीरा पाउडर थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा ताकि मसाला नीचे से ना जल जाए, इसीलिए थोड़ा सा पानी आप लोग ऐड कर दीजिएगा। मसाला को आप लोग अच्छे से भून लीजिएगा, जैसे ही 1-2 मिनट भूनने के बाद आप लोग इसमें मैंने टमाटर को ग्राइंडिंग करके रखी थी प्यूरी करके, उसके बाद हम लोग इसे मसाला के साथ अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही टमाटर अच्छे से मिल जाएगा मसाला के साथ, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छे से मसाला के साथ मिला ली, अब हम लोग इसे 1-2 मिनट के लिए ना ढक देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हाँ थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने वहाँ पे हल्का नमक ऐड की थी, तो यहाँ पे और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे ढक के रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 1-2 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे, यहाँ पर टमाटर ऑलमोस्ट मेरा मसाला के साथ भून चुकी थी, तो यहाँ पे फिर से मैं और थोड़ा देर रोकी, फिर 1-2 मिनट के बाद टमाटर जो भून चुकी थी यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा ग्रेवी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रेवी हो जाने से ना थोड़ा खाने में बहुत अच्छा टेस्ट ही आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा देर ढक के रख देंगे। देखिए 1-2 मिनट के बाद ना ये उबल आ चुका था, तो इसमें जो हम लोग कोयला फ्राई करके रखे थे इसे हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे भी हम लोग फिर से 2 या 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम लोग इसे छोड़ देंगे। 2 या 3 मिनट के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे उबल आ चुकी थी अच्छे से, तो यहाँ पे लास्ट में हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। अब गरम मसाला ऐड करने के बाद भी मुझे लगता है यहाँ पे और 1-2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1-2 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसमें हम लोग हरा धनिया काट के रखे थे इसे हम लोग ऐड करते हैं। इसी तरह से फ्रेंड आप लोग को जो भी रेसिपी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेशन में लिखिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं। और जो भी नए हैं मेरे चैनल में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है ऑल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।